राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। बलरामपुर चिकित्सालय में 11 सितंबर सन 2021 को इमरजेंसी ओपीडी के प्रथम तल पर सभागार में डॉक्टर राजीव लोचन, पूर्व निदेशक बलरामपुर चिकित्सालय का विदाई समारोह 1 बजे चिकित्सालय के कर्मचारियों एवं धनवती केंद्र के माध्यम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर धनवती केंद्र के संस्थापक एवं भारतीय भवन के प्रचारक अवधेश जी, धनवंतरी केंद्र के श्री अरविंद पति त्रिपाठी, राकेश पांडे जी, राज्य कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष रियाज के राय, फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी सुभाष श्रीवास्तव, अजय पांडे जी फार्मासिस्ट, डी के श्रीवास्तव ट्रेनिंग फार्मासिस्ट, चतुर्थ श्रेणी के अध्यक्ष मंत्री श्री देव शरण शुक्ला, शैलेंद्र ब्रजेश श्रीवास्तव सेवानिवृत्त नेत्र सहायक, एच बी मिश्रा पूर्व महामंत्री, राजीव शुक्ला, मुकेश जोशी सुपरवाइजर सिक्योरिटी इंचार्ज, गजानन मिश्रा आदि उपस्थित रहे। बलरामपुर चिकित्सालय के प्रवक्ता एस एम त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक एवं निदेशक के पद पर रहते हैं। पद पर रहते हुए राजीव लोचन द्वारा डीएनबी कोर्स का संचालन, डेंटल यूनिट को अपग्रेड करना, प्राइवेट वार्ड की मरम्मत, चिकित्सालय में वृक्षारोपण, पीसीआर लैब का निर्माण, अटल विश्रामालय की मरम्मत, भगवान धन्वंतरी की मूर्ति स्थापना आदि अनेक कार्य किए गए। डॉक्टर राजीव लोचन ने अपने कार्यों के अनुभव को लोगों के बीच साझा किया और हर वर्ष बलरामपुर चिकित्सालय में आकर एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। समाज में ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने पर बल दिया, जिसमें पत्रकार एकता संघ के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय राजीव लोचन जी को पुष्प की माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल के उपसंपादक ऑल इंडिया सुनील चौरसिया की खास खबर। आइए जल्दी जल्दी आइए, उधर आइए, आप आइए तो उधर सारी फोटो मिल जाएंगी भाई, पूरी वीडियो मिल जाएगी। श्री राजू शुक्ला जो एस सी के